हेलो फ्रेंड्स, बाइक मैकेनिक हिंदी। आज बाइक के वॉशिंग करना है। देखिए दोस्तों, कितना लेटाई हुई बाइक। फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से धुलाई करेंगे। देखिए इसमें कितना धूल माटी कीचड़ जमा हुआ है। बाइक के वॉशिंग करेंगे, बिल्कुल नई तरह हो जाएगी। ये तीन गलती कभी ना करें। कभी गाड़ी हीट का प्रॉब्लम, कभी चल के आने समय 10 मिनट 20 मिनट उसको रेस्ट दिया जाए, वो इंजन ठंडा हो जाने के बाद ही उसको वॉश करें। फ्रेंड्स, ये सीट ओपन करके कभी धुलाई नहीं करना है दोस्तों। सीट ओपन करने से बीएससी की बाइक में कितना उसमें फ्यूज रहता है, फ्रिज में पानी चले जाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसको फ्रिज में पानी नहीं जाना है, सीट खोल कर नहीं धुलाई करना है। गाड़ी का पूरा इंजन ठंडा हो जाने से धुलाई करना है बिल्कुल। यह तो बल्ब टेढ़ा हो जाएगा, इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें सैंपल देखिए दोस्तों, इसमें सैंपल अच्छी तरह से धुलाई करें। इसमें चारों तरफ से सैंपल से अच्छी तरह से इसमें वॉश करें, ताकि ये माटी का कचरा का दाग नहीं होना चाहिए। जितना सैंपल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, माटी का दाग नहीं हो सकता है कभी बिल्कुल। देखिए आप लोग को दिखाते हैं। इसमें सैंपल अच्छी तरह से हम लगाते हैं और इसके देखिए अच्छी कपड़ा से इसको हम पोछेंगे। सिर्फ पोछ देने से ही गाड़ी में लाइट आ जाएगी। देखिए आपको पोछ के दिखाते हैं। इसको देखिए कितना अच्छी तरह से इसको पहले ऊपर का फाइबर साफ करते हैं, तभी इसको नीचे में हाथ फेरे। इसको अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से इसको मोल दे, ताकि ये माटी का कचरा नहीं इस पर होगा। तो गाड़ी वॉशिंग करते समय भी सूखेंगे तो दाग नहीं होगा, कभी भी इस पर दाग नहीं होगा। देखिए हम आपको धुलाई करके दिखाएंगे। अभी इसको अच्छी तरह से हम मोल दे, इसको साफ कर दे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम इसको अब वॉशिंग कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, इसको फ्रेश कर रहे हैं। देखिए इसमें प्रेशर हाई है, ताकि आराम से हमारे जो फाइबर भी टूट सकता है।